हाय गाइस, मैंने निफ्टी का 18,700 का कॉल ऑप्शन को सेल किया है क्योंकि मुझे लगता है बाज़ार अभी ऊपर सस्टेन नहीं कर सकता। दो बार रिट्रेस मारा बाज़ार ने ऊपर जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया। देखिए किस तरह का सेलिंग आ रखा है, इसलिए मैंने हेजिंग के तहत ऑप्शन को सेल किया है। 250 क्वांटिटी है तो देखते हैं, अभी प्रॉफिट बुक करने का समय हो गया है, लगभग 2:30 बजने वाला है। तो नीचे से थोड़ा बाइंग आने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ढूंढ रहा है। तो अगर यहाँ से सपोर्ट मिल जाता तो 3 बजे करीबन हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक रैली आती है, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता। तो 5 मिनट कैंडल में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक 3 बार कैंडल बनाया है, लग तो रहा नीचे जाएगा, बट देखते हैं। अगर 4,000 तक यहाँ पे प्रॉफिट शो हो जाता तो फिर मैं इसको बुक कर लेता हूँ। अभी लेट्स वेट एंड वॉच सिचुएशन चल रहा है। लगभग मैंने इस ऑप्शन को लिया था 28 रुपीज़ समथिंग में, तो लगभग 20 रुपया यहाँ से डीके हो चुका है, अभी 10-11 रुपये बचा है। तो ज़्यादा लालच भी अच्छी चीज़ है नहीं, बट लेट्स गो फॉर प्रॉफिट बुकिंग। इट्स टाइम फॉर प्रॉफिट बुकिंग। आप देखते हैं निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक का भी सेम वही हाल है, लगभग आज का लो तो पहले ही ब्रेक किया था, सुबह ही लगभग 12 बजे करीब ब्रेक किया था, उसके बाद नीचे की तरफ। अभी सपोर्ट ढूंढ रहा है बाज़ार को चाहिए सपोर्ट। तो चलो लेट्स देखते हैं ऑप्शन चेन के तहत कहाँ पे इसके सपोर्ट बनी है। तो देखते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स, इसमें जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन चेन खोलते हैं इसका। ऑप्शन चेंज से हमें सब पता चल जाता है, लगभग एक दिशा मिल जाती है, पर इसको कंफर्म नहीं। देखें 18,700 में कितनी कॉल राइटिंग हो रखी है, बहुत ज़्यादा, जहाँ मुकाबले पुट राइटिंग कुछ है ही नहीं। तो बाज़ार को 18,700 बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना इतना आसान होगा नहीं बाज़ार को। तो इससे थोड़ा कन्फर्मेशन मिल जाता आपको किस साइड लेना क्या करना है। तो लालच बुरी चीज़ है, बाज़ार में लगता है सपोर्ट मिल गया है, तो इतने में हम संतुष्ट होकर इस प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बुक करते हैं आपके सामने। देख तो रहा, आज मेरा लैपटॉप ऑन है नहीं, इसलिए मैं मोबाइल में ट्रेडिंग करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ सिक्योरिटी दिख नहीं रहे, चार्ट पैटर्न्स पता नहीं चल रहा इतना आसानी से। बस ये एक बार ये जो सपोर्ट दिख रहा है, अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर बहुत अच्छी प्रॉफिट मिल जाएगी। ऐसे भी हमने 1,00,000 के अगेंस्ट में लगभग 3500-3600 बनाई है, बहुत काफ़ी है, ठीक है, आज के लिए एनफ है। गाइज, हमेशा याद रखना कि बाज़ार अभी और 1 मिनट बचा है, इसके बाद जैसे 2:30 बज गए हैं, तो 3 बजे के करीब ना एक मोमेंटम मिलता, तो उस मोमेंटम में ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी फ़ायदा होता। अब देख लेना कहीं पे ऑप्शन जिसका 5-6 रुपये का प्रीमियम का ऑप्शन होगा, वो लगभग 50-60 रुपये में चला जाता है, कभी कभी होता है ऐसा। तो लास्ट टाइम मेरे साथ 2 बार हुआ था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लॉस झेलना पड़ा था। तो मैं एक्चुअली ऑप्शन बाइंग से अच्छा ऑप्शन सेलिंग पसंद करता हूँ, कि यहाँ पे इतने कुछ कष्ट करने की ज़रूरत है नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाते हैं। अभी देखिए सपोर्ट को अगर ब्रेक करने जा रहा, अगर ये स्विंग लो अगर ब्रेक हो जाता है तो बहुत काफ़ी स्पीड आपको एक मोमेंटम मिल सकता है नीचे के साइड। देखते हैं, हो गया 2:30 बज गया, अभी यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हम ले सकते हैं, और 1,000 रुपये तक शायद मिल जाए। अगर यहाँ से कैंडल ने ब्रेक तो दे दिया, ब्रेक नहीं किया है, सपोर्ट ढूंढ रहा है, लेट्स गो, इट्स टाइम फॉर प्रॉफिट बुकिंग। चलो हमने 3500 रुपये बना लिया, अच्छा है, कोई नहीं, बढ़िया है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।